हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने टीचमेंट क्लासेस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का जो हमारा है टॉपिक है निपात के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि निपात होता क्या है। दोस्तों, निपात ऐसा इसका ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं इसका सही सटीक अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, परीक्षा में बैठते हैं तो सवाल उनको आता हुआ सवाल उनसे गलत हो जाता है, वो इतने कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये हमारा निपात है कि हमारा ये कौन सा शब्द है। आइए मैं आज आपके इस डाउट को दूर करती हूँ और आज मैं पूरी आशा करती हूँ कि आज आपका निपात का टॉपिक अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ और आपका सारा डाउट क्लियर कर सकूँ। आइए शुरू करते हैं। निपात क्या होता है, आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही निपात कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कहने का मतलब इसका ये है कि किसी भी बात पर, यानी कि कोई बात अगर हम कह रहे हैं उस पे अतिरिक्त, मतलब उस बात को जो हम कह रहे हैं उस पे और भार या कहिए जोर, भार कहिए या जोर कहिए देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, हाँ, भी, केवल, मत, जी, क्या आदि। मतलब ये सब जो हमारे शब्द हैं, इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं, ये सब हमारे निपात हैं, क्योंकि ये जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें ये सारे शब्द जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस जो ये हमारा वाक्य दिया हुआ है इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, लेकिन इस वाक्य में जोर देने के लिए हमारा किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ही। दोस्तों देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, ही मतलब यहाँ पे जोर या भार दिया जा रहा है इस वाक्य में, इसलिए हमारा ही क्या है, निपात है। अगला समझते हैं, तुमने तो हद ही कर दी। देखिए यहाँ पे क्या है, तुमने तो भी हमारा जोर दे रहा है, हद ही ये भी हमारा जोर दे रहा है, कर दी मतलब क्या कह रहा है इसका, तुमने तो हद ही कर दी। यानी कि इसमें हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे या फिर अपना वाक्य ऐसे भी बना सकते थे, तुमने हद कर दी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों शब्द का इस्तेमाल करके इस वाक्य में जोड़ दिया जा रहा है। दोस्तों, तो और ही हमारा इस वाक्य में निपात होगा। अगला ये समझते हैं, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। देखिए इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कल मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन इस वाक्य को जोर दे के बोला जा रहा है, भी लगा के इसका जोर, इस पे जोर डाला जा रहा है, तो भी हमारा निपात होगा, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगला समझते हैं, गांधी जी को बच्चे तक जानते थे। देखिए यहाँ पे तक हमारा निपात है। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते थे, गांधी जी को बच्चे जानते थे, लेकिन यहाँ पे जोर देने के लिए तक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमारा तक निपात होगा। सीता खाने के साथ पानी भी पीती है, यहाँ पे भी हमारा निपात है, क्योंकि भी इस वाक्य में जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज निपात का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊंगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हों, और अगर आपको कोई टॉपिक और भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।